स्वागत है। मैं अपने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया था। मैं अब दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए। कैसा ये होगा दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन? तो क्वेश्चन है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। आप लोग बताना है कि जो दिया हुआ नंबर है क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, क्या क्या नंबर है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यहाँ पे देखा जाए तो b इक्वल टू क्या है, 6। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो r होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा और इक्वल, फिर b से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जो r होगा वो लेस देन होगा 6। ओके, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केस फर्स्ट से, केस सेकंड से, केस थर्ड करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि ऑड इंटीजर नंबर, जो ऑड नंबर होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स 2n+1 होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। लेट a इज इक्वल टू 6q+1। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 3q+1 करेंगे। इसको मान लेंगे क्या, k। इसको मानेंगे हम लोग k, तो इसको क्या हो जाएगा, 2k+1। यहाँ पर लिखेंगे वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये देखिए 2k+1, यानी हमारा जो ऑड इंटीजर, ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में हमारा आ गया। k क्या है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर केस सेकंड, उसी तरह लेट a इज इक्वल टू 6q+3। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 3q+2+1। 3 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2+1 में हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 3q+1+1। इसको क्या मान लेंगे हम लोगों, k1। तो क्या हो जाएगा, 2k1+1। वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब केस नंबर थर्ड, इसमें भी सेम, लेट a इज इक्वल टू 6q+5, सेम 2 × 3q+4+1। 5 को जब तोड़ेंगे तो 4+1 होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन करेंगे तो 3q+2+1। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, k2। तो ये क्या हो जाएगा, 2k2+1, वेयर k2 इज
एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हैंस सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू थ्री सॉरी थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हेंस रूट। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, अच्छे से आप लोग देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ हो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है बच्चों। कोई क्वेश्चन देख करके ना डरे, बहुत इजी है। क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 798 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 28 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे आर कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एस सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जैसे ही मैक्सिमम आ गया तो क्या निकालेंगे हम लोग, एस सी एफ निकालेंगे। तो दोनों नंबर का क्या निकालेंगे हम लोग, एस सी एफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और दोनों नंबर को लिखेंगे 798 और 28। अब हम यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग एस सी एफ निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बड़ा जो नंबर है उसको बाहर हम लोग लिखते हैं, 798 इज इक्वल टू 28 इंटू व्हाट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफ में डिवाइड करेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिवाइड में कर लेता हूँ, सॉरी बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर गलती हो गया है, गलत हो गया है, आप लोग उसको सुधार करो। 798 की जगह पे हम यहाँ पे आएगा आप लोगों को 616, 616 एंड 28, 28 की जगह पे आएगा 32। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 32 ध्यान दे, 32। तो यहाँ पे भी हमारा अब कट करना पड़ेगा, 616 और 32। तो अब मुझे सारा फिर से करना पड़ेगा, फिर अब 616 को बाहर इक्वल टू 32 इंटू डैश, अब देखते हैं हम लोग डिवाइड करके, फिर हम डिवाइड करेंगे 32 से, 32 से करेंगे किसमें, 616 में। तो मैंने डिवाइड किया तो देखिए 32 19 बार में ये, फिर 8 से 32 4, यानी हमारे एस सी एफ कितना आ गया, 8। यहाँ पे हम लोग अब स्टेप लिखेंगे, 32 19 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना बचा है मेरा, 8 बचा है। अब फिर 32 इजकल टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर का आ गया 0। तो यहाँ पे जो आता है वही एस सी एफ आता है, यहाँ पे एस सी एफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तुम्हारा मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज
एट। तो आप लोग का ये दो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू।